गाइस, हेल्दी फूड रेसिपीज में एक बार फिर से आप सब सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये मैंने कैसे बनाई है। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने एक कटोरी सूजी ली है और अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच गेहूँ का आटा और साथ में डालूंगी एक चम्मच मिल्क पाउडर। फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैंने लिया है एक कप दूध और इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा खान मीठा सोडा डालूंगी और फ्रेंड्स, हमें बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करना है और मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट के बाद हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने एक पैन में घी डाल लिया है फ्रेंड्स, उसमें मैं इस बैटर को ऐसे टिक्की की शेप में डाल दूंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स, आपको ये बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे टिक्की तैयार कर ली है इसकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फ्लेम जो है वो लो रखना है और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे एक तरफ से जो है वो पक चुके हैं। अब मैं इन्हें पलट दूंगी। फ्रेंड्स, ये आसानी से पलट जाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, एक मिनट तक लो फ्लेम पर में इसे पकने के बाद मैं इसे दूसरी तरफ पलट दूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे ये तैयार हो चुके हैं और इसी तरह मैं और भी बना लूंगी जो बैटर बचा है उसके। तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक बर्तन में 2 कप दूध लिया है और इसे मैं डालूंगी 3 चम्मच चीनी। फ्रेंड्स, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें मैंने फ्रेंड्स डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप फूड कलर का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से उबाल लूंगी दूध को 1-2 मिनट तक। और फ्रेंड्स, देखिए दूध थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके ऊपर दूध को डाल दूंगी। फ्रेंड्स, आप इसे फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं और गरम गरम भी इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारी सूजी की सुपर टेस्टी स्वीट डिश बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। वॉश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।